आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए सुंदर से और इजी से क्राफ्ट, जो बहुत ज़्यादा मतलब आपका मन खुश हो जाएगा इनको बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने 3 लेयर्स वाला कार्डबोर्ड लिया है। अब ये वो वाले तो जो पेटी होती है हम कोई सामान मंगाते हैं वो वाले हैं, और आप ना कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं, जो बोर्ड आते हैं आप वो भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपके पास जो भी है। बट मेरा तो देखो मेन मकसद होता है वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना, सो मैंने तो यही लिया है। अब मेरा मेन मोटिव ये भी है इनको लेने का, क्या होता है कि हैंग करने में ना ये इजी हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई भी हैवी सी चीज़ हो जाती है वो हमारी हैंग होने में इजी नहीं रहती, और बार बार हम क्या करते हैं मतलब वॉल में जो है होल भी नहीं कर सकते हर जगह, क्योंकि दीवार वो परमानेंट तो हम इनको हैंग करने वाले हैं नहीं, थोड़े दिन बाद कुछ और बनने वाला फिर वो हैंग होगा। तो ऐसे ही, और मैंने इन पे क्या किया, पहले पेंसिल से ना ड्राइंग जो है पहले ड्रॉ कर लिया ताकि वो इजीली शेप आए। और इस अब ये मैंने क्या किया, वॉल पुट्टी का जो डो है वो अच्छे से इसको पहले मैंने गूंद लिया है। जस्ट मैंने तो सिंपल इसको गूंदा है, जस्ट वॉल पुट्टी में पानी डाल के और मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसको मैं ग्लू गन से सॉरी फेविकोल से मैं इसको चिपका रही हूँ इवनली, और इसमें इसको एक शेप दे के। तो बस मेरा मन किया कि सुंदर सा कुछ आज यूनिक सा बनाते हैं अलग से, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। और मैंने इस लेयर को भी ना बहुत पतला सा रखा है, क्योंकि मुझे ना ये जो आज के मेरे क्राफ्ट सारे बिल्कुल हल्के हल्के रहेंगे, जो डबल साइड हमारी टेप होती है सिंगल टेप से भी आप इनको इजीली चिपका सकते हैं वॉल पर, या फिर अगर आप इन पे पीछे धागा लगा के भी हैंग करें तो इजीली ये टंग जाए, क्योंकि हैवी वाले हैं उनमें फिर हमें क्या करना पड़ता है एम सील वगैरह का यूज करके फिर उनको तब हैंग करना होता है। सो आज मैंने बिल्कुल लाइट वेट वाले बनाए, और ये फाइनली आप बस मेरे साथ बने रहे बहुत सुंदर लगेंगे आपको। और थोड़ा सा ये होता है बारीक चीज़ें हैं इनमें, कलरफिल में फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कलरफिल में तो नहीं लगता, बट जब हम इनको फिनिशिंग देते हैं फाइनल तब थोड़ा सा टाइम लगता है। बट टाइम का यार पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है, कब 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, बट बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार इनको बनाने में, और मुझे तो मतलब सीरियसली बहुत मज़ा आया। जब होता है ना एक सफाई देने में, और फीमेल्स में थोड़ा सा ये चीज़ें होती भी है कि हाँ उनको काम को थोड़ा सफाई से करने में अच्छा लगता है। अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं फिनिशिंग करने में तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं तो बिल्कुल मैं ज़मीन पे बैठ के और अपना घुटने टिका के तब इनको ड्रॉ कर रही हूँ बड़े मज़े से, बिल्कुल मतलब पास में आके, क्योंकि फाइनल जब फिनिशिंग आती हो तभी आती है, क्योंकि ये बहुत नन्ना नन्ना सा वर्क है। आप जैसे इसमें देख रहे हैं मैंने ड्रॉ किया, अब मैं आपको ज़्यादा फिर टाइम में वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप डिज़ाइन इसमें से अपना देख के क्लियरली आपको दिख रहे हैं, आप इनमें से डिज़ाइन अपना जैसे आपको बनाने या फिर आपके मन में जो भी आए अलग से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए आप वो बनाना। ये फाइनल हमारा फर्स्ट बन गया है DIY, और अब चलते हैं हम सेकेंड की साइड। सेकेंड में मैंने क्या किया, पहले इसको ड्रॉ किया था, बट ड्रॉ करने के बाद फिर पहले मुझे एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं कुछ क्राफ्ट में क्या करती हूँ कार्डबोर्ड पे ना पहले रफली या तो ब्लैक कलर कर लेती हूँ, अगर मुझे ब्लैक मतलब कोई डार्क शेड में मुझे बनाना है या लाइट में बनाना तो वाइट करती हूँ। इन मैंने कुछ भी कलर नहीं किया, डायरेक्ट मैंने इनको पेंट किया कार्डबोर्ड को, बट ये फिर भी अच्छा मतलब लुक दे रहा है, तो इसलिए पहले मैंने ड्रॉ किया। बट इसमें मुझे क्या करना था, पहले मुझे नीचे पेंट करना था, बाद में मुझे इसको जो मैंने इस पर लीव्स बनाई है वो मुझे ड्रॉ करनी थी। बट ये इजी है, ये मैंने अपने आप रैंडमली बिना पेंसिल के ड्रॉ के मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर ली और अच्छी ही बना ली है, मतलब मैंने बिना पेंसिल के भी, क्योंकि वो माइंड में रहती हैं चीज़ें इतना तो हम कर ही लेते हैं, और ये एकदम से उभर के आ रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। इसको बनाने में ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा इजी है, पर इतने सिंपल सिंपल से भी अलग ही एक लुक देते हैं, और ये मैंने पहली बार ट्राई किया ऐसे, पर अच्छा लगा मुझे मतलब बनाने में। ये हमारा इसका फाइनल लुक है, और
मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपके साथ ब्यूटीफुल आइडियाज़ वो भी वेस्ट मटेरियल के साथ आपके साथ लेके आती रहती हूँ। और अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, क्योंकि सपोर्ट तो देखो मेन है, व्यूअर आप ही हैं मेरे और आप ही सपोर्ट करेंगे तभी चैनल आगे जाएगा। और जैसे अभी मैंने, मेरा चैनल न्यू ही है और मैं ट्राई करती रहूँगी आपके साथ एक से एक यूनिक आइडियाज़ शेयर करने का। सो अब इसमें मैंने क्या किया, इस फिश को भी पहले मैंने ड्रॉ कर लिया अच्छे से, और जो जो कलर मैं अपना फिल किए हैं पहले मैं उनको क्या कर लेती हूँ एक एक कॉलम में, उस कलर को पहले मतलब क्या कर थोड़ा सा कलर से ना डाल देती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे कौन कौन सा कलर करना है। और जो जो कलर्स मुझे लग रहा है कि हाँ ये इनका कॉम्बिनेशन बेस्ट लगेगा वो कलर्स मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि बहुत कलरफुल सी फिश हमारी बन के आए। और यहाँ पर मैं येलो कलर कर रही हूँ, ये बहुत मल्टी कलर सी कलरफुल सी बनेगी। अभी फाइनल फिनिशिंग के बाद देखना कितनी सुंदर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और आई विश कि आपको भी अभी अच्छी लगेगी। जस्ट कुछ ही सेकेंड्स में आपके पास फाइनल लुक आने वाली है। और भाई मैं हर वीडियो में बोलती हूँ सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्राफ्ट सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। आप कितनी भी टेंशन में होंगे, कितनी भी डीप टेंशन आपको चल रही होगी, आप सब भूल जाएंगे। ये है ही ऐसा क्योंकि आप ना अपना माइंड इसमें यूज कर रहे हैं, आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं। क्रिएटिविटी करने के लिए आपका माइंड डेफिनेटली इन्वेंशन होती है आपकी। आप अगर कहीं से कोई चीज़ देख भी रहे हैं ना और तो भी आप उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन अपनी साइड से करते तो उसमें क्या होता है आपका माइंड उसमें काम करता है। अगर आपका माइंड उसमें बिजी होएगा तो आप डेफिनेटली जो आपके माइंड में टेंशन चल रही है वो आप डेफिनेटली भूल जाएंगे। सो सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है क्रिएटिविटी करना, मीन क्राफ्ट करना, DIYs बनाना। और ये मुझे देखो फाइनल छोटे छोटे जो भी डिजाइंस मेरे मन में आ रहे हैं मैं उनको बनाती जा रही हूँ। और अभी आप देख रहे हैं देखो कितना बारीकी से मैंने इस पर वर्क किया है और ये उभर के आ रहा है बिल्कुल, मतलब अच्छा लुक मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आपको इनमें से कौन सा क्राफ्ट अच्छा लगा। अभी तो हमारे दौर बाकी है, अभी सब देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक का मैं प्रेशर नहीं करूँगी, देखो लाइक डिपेंड करता है अपनी चॉइस पे, सब हर किसी का क्राफ्ट लाइक नहीं कर सकता, बट इसमें हमारे कॉस्ट भी नहीं जाता। देखो सब्सक्रिप्शन से भी हमारे मोबाइल में ये नहीं कि मेमोरी फुल हो जाती है, लाइक करने से भी ये नहीं होता कि हमारे कोई पैसे लग रहे हैं, बस ये हो जाता है कि हाँ अगर आप किसी को इनडायरेक्टली कुछ हेल्प हो जाती है। देखो ये भी एक तरीके का वो होता है कि हाँ जैसे मैं भी कभी किसी की वीडियो देखती हूँ तो मुझे ये होता है यार क्या हो जाता है लाइक करने से, हमारा ना कोई कॉस्ट जाता है जबकि किसी को मोटिवेशन मिलता है। और वो बस ये सोच होती है सबकी अपनी कि हाँ हम किसी को इनडायरेक्टली हेल्प करें वो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। और ये मैंने एक ट्रीज पे ड्रॉ कर लिया ये वॉल पुट्टी से, और बाद में मैंने क्या किया जो सुई होती है हमारी मतलब जिससे हम कपड़े वाला बटन वगैरह लगाते हैं उस सुई से मैंने पतले पतले डिज़ाइन बनाए हैं। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ये जो वॉल पुट्टी मैंने लिया ना ज़्यादा मैंने भारी नहीं लिया, मतलब पतला पतला इसको लेयर लगाया है और ताकि ये बहुत मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया था हम लाइट वेट सारा चीज़ लाइट वेट बना रहे हैं तो इससे क्या होगा ये वॉल पे जब इजीली हम इसको हैंग कर पाएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत हल्की सी। हमें क्या करना है ट्री का शेप देना है और वो डेफिनेटली इसमें आ भी गया है, विजिबल है देखो जैसे आपको अभी दिख रहा होगा। अब ये मैंने जो इसके पत्ते बनाए वो एक ट्रे है उससे मैंने बनाए हैं, कुछ मैंने बड़े लीव्स बनाए कुछ मैंने छोटे बनाए हैं। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे आपको जैसे भी अच्छे लगे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया ब्रश पे मैंने मेरे पास क्या है मतलब वो थी नहीं क्या होती है वो स्टिक्स होती है वो उनको यार क्या बोलते हैं वो कॉटन की होती है वो मुझे पता नहीं ध्यान आया, तो ये मैंने जस्ट ब्रश से ही मैंने डिज़ाइन सेल्फ में अपना जो भी मुझे ध्यान में आते जा रहे हैं मतलब टू कलर्स के मैंने इसको बनाया, एक मरून कलर से और रेड कलर से। अब पेड़ हमारा जैसा होता है वैसे ही कलर में इसको कर रही हूँ, बट मैं इसको ना ये जैसे
मैं इसको ना पूरा का पूरा मतलब ब्राउन कलर से फिल नहीं करूँगी, मैं इसको हल्का हल्का सा, क्योंकि ट्री क्या होता है, कोई कोई ट्री हमारे जो होते हैं वो शेड वाले होते हैं। अब इसको मैंने गोल्डन टच दिया ताकि ये ऐसा लगे मेटल लुक हमारा दे, और ये फाइनली सीरियसली फाइनल में मेटल लुक ही दे रहा है। एक्चुअल में इसको देख रही हूँ, हालांकि अभी ये वीडियो में भी आपको जैसे फाइनल लुक में दिखेगा बहुत ऐसे लगेगा। और ये जो मेरे पास गणेश जी रखे हुए थे हमारे आते जो कार्ड्स पे लग के आते, वो मैंने इस पर गणेश जी चिपका दिए हैं, और अब मैंने लिख दिया इस पर श्री गणेशाय नमः। अब गणेशाय मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी अगर मैं सीधा इसको लिखूँगी तो शायद ये इस स्पेस में नहीं आ पाएगा, बट विजिबल है। अभी आप इसको देख रहे हैं, देखो ये मेटल लुक हमें दे रहा है, ये लग भी नहीं रहा कि बोल पुट्टी से बना है। अब DIY नंबर 5 हमारा आ गया है। आइसक्रीम स्टिक्स से तो आप बनाते ही रहते होंगे क्राफ्ट, तो मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स थी नहीं और मुझे बनाना था, मैंने कार्डबोर्ड से आइसक्रीम स्टिक्स बनाई। ये अभी आप जैसे देख रहे हैं ये क्या है, ये उल्टी साइड से अभी है, क्योंकि हमारा जो ये हैंग करने के लिए धागा जो है वो पीछे की साइड रहेगा ना, तो मैंने पीछे, अब देखो ये फ्रंट से आप देख पा रहे हैं फाइनल है ये, मतलब क्लियर लग रही है, ऐसा भी नहीं है। और पेंट होने के बाद ये बिल्कुल आइसक्रीम स्टिक्स ही लग रही हैं, ऐसा भी, ऐसा कोई, मैं जैसे बता रही हूँ तभी है, वरना कोई देखेगा तो यही बोलेगा यार ये मतलब आइसक्रीम स्टिक्स ही हैं। अब इसमें मैंने नीचे घास ड्रो कर लिया, और ये ब्लैक कलर लेके मैंने क्या किया, इस पर एक ट्री का शेप दे दिया है, जो हमारा ट्री का पेड़ का एक तना होता है वो पहले मैंने बना लिया है, और जैसे मेरे मन में डिज़ाइन आ रहा है आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सेम ऐसे ही आपको बनाना है आप ऐसे भी बना सकते हैं। और अब मैंने इस एक्ट्रेस से फ्लावर्स बनाए, आप इसमें देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, और ऐसे करके मैंने इनको कलर कर लिया है, और जो जो हमारी टहनी है उन पे मैं इसको सबको चिपकाते हुए चली जाऊँगी। अब मैं इस पर पत्तियाँ बना दूँगी छोटी छोटी, जैसी मतलब मुझे ठीक लग रही है ऐसी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और आई विश कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अब ये हमारा इसका फाइनल लुक है, अभी आप सबका फाइनल लुक देखना, मैंने सबको वॉल पे हैंग कर दिया, और बहुत ईजीली बड़ा लाइट वेट में मुझे इनको हैंग करने में मतलब चिपकाने में बड़ा अच्छा लगा, ईजीली ये चिपक गई हैं, और देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ वो दिख रही हैं। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट DIY के साथ, है ना, तब तक लिए बाय बाय। और आई विश कि आपको ये सब अच्छा लगा, आपको कौन सा DIY इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, और क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरा वीडियो लाइक करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।